स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की हम बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी से बड़ी खबर, 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें ट्रांसफर किया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है। गौरीशंकर प्रियदर्शी लखनऊ के ग्राम विकास अधिकारी बनाए गए हैं। जग प्रवेश सीडीओ बरेली बनाए गए हैं। यूपी में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित पाल मेरठ नगर के आयुक्त बनाए गए। पुलकित गर्ग झांसी नगर के आयुक्त बनाए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से और नई लिस्ट। हाँ देखिए शैलेंद्र, अब ये चूंकि जून का जो महीना होता है ये तबादलों का होता है और लोगों बच्चे बढ़ते हैं तो जुलाई में सबके एडमिशन होने करते थे, तो योगी सरकार ने ये तय किया है कि जून के अंतिम सप्ताह को सारे आईएएस अफसरों, सारे अन्य विभागों के अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बच्चों के एडमिशन सामान्य तरीके से हो जाए। तो ये पहले जिला अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए, तो तीन चार जिला अधिकारी जैसे थे, बनारस था, लखनऊ था और दो एक जिले और थे जिनके जिला अधिकारी जो है सचिव रैंक पे हो गए, तो पहले लिस्ट जारी की गई थी। तो उन सचिवों जो सचिव स्तर के सचिवालय में समायोजित किया गया, जो को कमिश्नर कुछ कमिश्नर समायोजित किया गया। इसी प्रकार से दूसरी लिस्ट जो सबसे बड़ा विभाग होता है ग्राम विकास, जो सीधे गांवों से संपर्क रखता है, उसके प्रदर्शी को बनाया है, वहां ग्राम विकास सचिव, ग्राम विकास का जो है आयुक्त बनाया गया है। कुल मिला के 17 अफसरों को ट्रांसफर किए गए हैं और दूसरी लिस्ट जो है शीघ्र ही अब ये प्रमुख सचिवों, सचिवों अपर मुख्य सचिवों को आने वाली है। तो कुल मिला के जुलाई जून के अंतिम सप्ताह तक सारी प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को चकाचौंध कर दिया जाएगा और बिल्कुल चौकस व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि आगे वाले जो 5 साल मुख्यमंत्री योगी के बचे हैं उस पर सुचारू रूप से कार्य से काम चल सके। बिल्कुल, तो अभी एक और लिस्ट आएगी जून के आखिरी सप्ताह तक, जो अधिकारी हैं उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।